नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष ताल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोयला मंत्रालय की उप महानिदेशक सांख्यिकी सतर्कता CSR तथा CMPF श्रीमती संतोष अग्रवाल मैडम से। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। हमारे कोयला परिवार को कोयला मंत्रालय के स्टैटिकल विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि मंत्रालय में स्थापित इस विभाग का कोयला उद्योग के विकास में क्या योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद संवाद टीम का हमारे यहाँ आने के लिए। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि किसी भी प्लानिंग या पॉलिसी के लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत रोल होता है, उसी तरह से कोयला मंत्रालय में ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जो है कोयला और लिग्नाइट से रिलेटेड सभी तरह के आंकड़े, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्पैच हो, ओवरबर्डन रिमूवल हो, पावर जनरेशन हो, कोल बेस्ड पावर जनरेशन हो, इस तरह के सारे डेटा कलेक्ट करता है। उसके बाद वो मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, फिजिकल फॉर्म में भी करता है और मंत्रालय की वेबसाइट पे भी अपलोड करता है, जिसको स्टेक होल्डर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही स्टैटिस्टिकल डिवीजन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है नेशनल कोल इंडेक्स कंपाइल करना। नेशनल कोल इंडेक्स का यूज़ मंत्रालय द्वारा कोल माइन ऑक्शंस जो होता है, कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन, उसमें रिवेन्यू शेयरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और नेशनल कोल इंडेक्स के साथ साथ अब नेशनल लिग्नाइट इंडेक्स भी रोल आउट होने जा रहा है, क्योंकि लिग्नाइट माइंस का भी ऑक्शन शुरू हो गया है। तो ये मेजर काम है। और इसका मिनिस्ट्री में क्या सपोर्ट किया जाता है, किसी भी डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग एंड पॉलिसी के लिए डेटा की अहम भूमिका है, तो डेटा के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं। और हमें जब इश्यूज़ हमें पता चलते हैं तब हम उनका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये डिवीज़न सपोर्ट करता है मंत्रालय को उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में। मैडम, देश में कोयले का लगभग कितना भंडार उपलब्ध है? साल दर साल कोयले की मांग के अनुरूप उपलब्ध भंडार को कितने वर्षों के लिए उपयोग किया जा सकता है? हमारे यहाँ लगभग 200 बिलियन टन प्रूव्ड कोल रिज़र्व हैं। और हमारा जो, यदि मैं लास्ट ईयर का कंजम्पशन देखूं, तो वो था लगभग 1200 मिलियन टन के अराउंड, जिसमें मैं इंपोर्ट को भी इंक्लूड करके बता रही हूँ। और ये यदि बढ़ेगा तो भी ये मैक्सिमम 2 बिलियन टन जाएगा आने वाले 2030 तक। तो इसको देखते हुए अभी हमारे पास कम से कम 7-8 दशकों के लिए पर्याप्त कोयले के भंडार हैं। यदि हम इंपोर्ट को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूटेबल इंपोर्ट है कोल का, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास कम से कम 7-8 दशकों तक कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। मैडम, साल दर साल कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? कोयला मंत्रालय ने इस दिशा में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। सबसे पहला तो जैसे कमर्शियल कोल माइन का ऑक्शन, मतलब कोयले के सेक्टर को सभी चीज़ के लिए खोल दिया गया है। तो ये आप देखेंगे कि 173 कोल माइंस का ऑक्शन हो चुका है, और जिसमें से अभी तक 12 माइंस ऑपरेशन में भी आ चुकी हैं। और दूसरा, जो हमारी डिसकंटिन्यूड माइंस थी उनको भी रिवेन्यू शेयर पे सरकार ने ऑफ़र किया है, और उसमें से भी कई माइंस ऑपरेशन में आने वाली हैं, ताकि ये कोयले की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि MMDR एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। MMDR एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया कि जितनी भी हमारी कैप्टिव माइंस हैं वो अपनी क्षमता के अनुरूप अपने कंजम्पशन, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के पश्चात 50% कोयले को बाज़ार में बेच सकती है, ताकि इससे वो उनको ये फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करें और अपनी मांग तो पूरी करें ही करें, साथ में बाज़ार में बेचें, ताकि हमारी कोयले की अवेलेबिलिटी बढ़े। तीसरी चीज़ कि हम प्रोडक्शन तो कर देते हैं, हमारा जो लॉजिस्टिक्स का इशू है, तो उसकी दिशा में कोयला मंत्रालय ने कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी निकाली है। FMC प्रोजेक्ट पे उनका फोकस है, प्लस जितनी भी माइंस हैं, चाहे वो कोल इंडिया की माइंस हों या कमर्शियल प्राइवेट माइंस हों, उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए कोल मंत्रालय सतत प्रयास करता है। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम उन्होंने बनाया, जिसमें उनको ज़्यादातर परमिशंस उसके थ्रू मिल जाती हैं। ECFC दिलाने में लगातार प्रयास करता है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलके। तो इस तरह से कोयला मंत्रालय रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ
चाहे माइंस का ऑपरेशंस एक्सपेंशन करना हो या नए कोल ब्लॉक शुरू करने हो, तो उन सब में पूरी मदद कर रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें आप देखेंगे कि लास्ट ईयर 997 मिलियन टन से भी ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन पूरे भारतवर्ष में किया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 11.7% से अधिक था। ये जो प्रगति होती थी, पहले हमारी ग्रोथ रेट जो होती थी वो 5 या 6% होती थी, बट लास्ट ईयर इट वॉज 11.7%। तो ये सारे जो कोयला मंत्रालय के द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी का परिणाम। मैडम, पिछले वर्ष WCL ने कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओवरबर्डन रिमूवल के क्षेत्र में ऐतिहासिक आंकड़े हासिल किए हैं। देश भर में कोयले की मांग को देखते हुए कोयला उद्योग में WCL के योगदान को आप किस तरह देखती हैं? इसके लिए तो सबसे पहले मैं WCL के मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूँगी, जो इन्होंने प्रोडक्शन, डिस्पैच और ओवरबर्डन रिमूवल के दिशा में ऐतिहासिक आंकड़े पार किए। क्योंकि जब मैंने ये मंत्रालय ज्वाइन किया था, उस समय WCL के को देख के ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी उतनी प्रगति पे नहीं है और इसके कोयला भंडार भी ख़त्म होने की कगार पे हैं। बट 2-3 साल में ही WCL मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी कई खदानों को खोला। WCL मैनेजमेंट ने जो भी टेक्निक्स यूज़ करी, चाहे वो प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए हो या OB रिमूव करने के लिए हो, क्योंकि WCL के पास चैलेंजेस भी बहुत थे कि उनका स्ट्रिपिंग रेशो बहुत हाई है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत हाई है, उन सबको मीट करते हुए उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, तो उसके लिए WCL मैनेजमेंट बधाई का पात्र है। और सबसे अच्छी चीज़ WCL के लिए ये है कि उन्होंने अपने उपभोक्ताओं को, उनकी मांगों को पूरा पूर्ण किया है, उसकी वजह से हमारा कोल के इम्पोर्ट को कम करने में उन्होंने हमें हेल्प की है। मैडम, प्रिवेंटिव विजिलेंस के क्षेत्र में कोयला मंत्रालय द्वारा कौन सी नई पहल की जा रही है? प्रिवेंटिव विजिलेंस के केस में मंत्रालय ने सबसे पहले एक एक्सरसाइज कराई, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ कोल। उसके बाद उन्होंने मानसून प्रिपेयर्डनेस की एक्टिविटी कराई सभी CVOs के द्वारा। उस थर्ड एक्सरसाइज हम लोगों ने करवाई है आइडेंटिफिकेशन एंड प्लगिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एंट्री एंड एग्जिट्स इन द माइन। और करेंटली जो एक्टिविटी चल रही है वो है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की। जब हमने ये एक्सरसाइज कराई, तब ये पता चला कि हमारे माइन में नॉर्मली एंट्री एग्जिट जो होनी चाहिए वो गार्डेड होनी चाहिए, बट हमारी माइन में एक से ज़्यादा कई एंट्री एग्जिट्स हैं और वो गार्डेड भी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कोल थेफ्ट, डीजल थेफ्ट, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। तो जब हम लोगों ने अब आइडेंटिफाई कर लिए हैं और मैनेजमेंट को इस तरह के डायरेक्शंस दे दिए हैं कि इस तरह की अनऑथराइज्ड एंट्री एग्जिट्स को प्लग करें, और जो भी एंट्री एग्जिट्स होंगी वो उन पे आपके पास बूम बैरियर, RFID बूम बैरियर होना चाहिए एंड CCTV अनेबल्ड होना चाहिए, ताकि आप सब किसी भी व्हीकल की एंट्री और एग्जिट को ट्रैक कर सके। और सबसे ज़्यादा हम प्रिवेंटिव विजिलेंस में IT इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि IT इनिशिएटिव जो है जितनी भी कोयले से रिलेटेड परेशानियां उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और इसके लिए WCL बधाई का पात्र है कि WCL के यहाँ ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर स्टेब्लिश किया गया है इस पहल के तहत। इनफैक्ट WCL में पहले ही किया गया था, और इसके तहत WCL ने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है, चाहे वो कोल थेफ्ट हो, डीजल थेफ्ट हो, और इस तरह की कोई भी इलीगल एंट्री ऑफ व्हीकल्स इन द माइन एरिया हो, इन सब चीज़ों को थ्रू दिस ICCC WCL ने इसको कंट्रोल किया है। और इसकी इस पहल को देखते हुए, इतना इस ICCC की यूटिलिटी को समझते हुए, मंत्रालय द्वारा इसको बाकी सभी सब्सिडरीज में रेप्लिकेट करने के लिए कहा गया है। सभी सब्सिडरीज को डायरेक्शन दिए गए हैं और सभी सब्सिडरीज इस डायरेक्शन में कदम भी उठा रही है। तो प्रिवेंटिव विजिलेंस में IT इनिशिएटिव का मेजर रोल। मैडम, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में WCL CSR के माध्यम से सदैव कार्यरत रहता है। WCL की CSR पहलों को आप किस तरह देखती हैं?
WCL CSR के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि मैंने उनके तराश स्कीम को देखा, जिसमें वो बैकवर्ड फैमिलीज़ के बच्चों को IIT, JEE और NEET के लिए स्कॉलरशिप देता है, प्लस उनका पूरा खर्चा वहन करता है, वो उन्हें हॉस्टल में रखता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो तैयारी करवाता है और मतलब उनका एक एक छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। हॉस्टल सुविधा दी हुई है, उनका खाना पीना और उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट से लाने ले जाने का सारा काम कर रहा है। तो ये WCL के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय पहल है कि सभी तरह के लोगों को मौका मिले कि वो पढ़ें और जीवन में ऊंचे उठें। इसके अलावा WCL हेल्थ में भी थैलेसीमिया पे भी फोकस कर रहा है। मैंने खुद देखा था कि वो थैलेसीमिया के लिए बच्चों का सब ज़्यादातर कई स्कूलों में ब्लड टेस्ट करा रहा है, जिसमें एनीमिया और वेदर दैट पर्सन इज़ अफेक्टेड फ्रॉम सिकल सेल और नॉट, ये सब की टेस्टिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छी पहल है WCL के द्वारा इस तरह के काम करना। इसके अलावा WCL स्किलिंग भी कराता है, जो लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है। मतलब जो ट्रेनिंग स्किलिंग कराया उसमें जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो 70% है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। तो एक ही दिशा में नहीं, WCL कई पहलुओं को छू रहा है और लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहा है। मैडम, WCL संवाद मंच के माध्यम से आप कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं WCL परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिस मेहनत से वो अपना निरंतर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो उनको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, किसी भी देश की प्रगति में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि आप देखें कि हमारे देश में 70% से ज़्यादा बिजली जो है कोयले के द्वारा ही पैदा की जाती है, तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि ये आपके कोल इंडिया का एंथम भी बताता है कि अंधेरे से खोज लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के। तो ये आप बिल्कुल साबित करते हैं कि आप इस देश को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उनके घरों को रोशन करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा फोकस है रिन्यूएबल पे, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो कर रहा है और रिन्यूएबल के साथ साथ कोयला से जनरेटेड पावर का भी उत्पादन बढ़ेगा। रिन्यूएबल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन आने वाले समय में परसेंटेज टर्म में कोयले के द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है वो कम होगी, बट एब्सोल्यूट टर्म में, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है, यही एक मेन पिलर है जो किसी देश के इकोनॉमिक इंजन को की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में रिन्यूएबल के साथ साथ हमारे कोयले द्वारा जनरेटेड बिजली बढ़ेगी, चाहे वो परसेंटेज टर्म्स में कम हो जाए। मैडम, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। सबसे पहले तो मैं संवाद की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और WCL मैनेजमेंट को ये भी बधाई देना चाहूँगी जो उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया। और जैसा कि इसका नाम बताता है संवाद, ये वाकई संवाद बनाता है, चाहे वो WCL मैनेजमेंट हो या WCL की फैमिली का कोई भी मेम्बर हो, क्योंकि संवाद स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये संवाद ना केवल सीनियर मैनेजमेंट से ही बात करता है, ये सभी लोगों से बात करता है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।